हमजत चिमायव की नेक्स्ट फाइट होने वाली है कोबी कोविंगटन से। कोबी कोविंगटन एक ऐसा वेल्टरवेट है जो कमारू उजमान के अलावा एल्विस से हारा है, वो भी सबमिशन से 2015 में, जब उसका शुरुआती करियर था। जैसे ही कोबी कोविंगटन अपने शुरुआती करियर में सबमिशन से हारा, उसके बाद 2015 से पहली बार लॉस मिलने के बाद कोबी कोविंगटन ने अपने करियर को इतना आगे बढ़ा दिया है, अपने स्किल्स को इतना रिफाइन कर लिया है कि उसके बाद से सिर्फ वो 2 बार कमारू उस्मान से हारा है। और मेरी नजर में तो दोनों फाइट के अंदर उसने शायद कमारू उस्मान को हरा भी दिया हो, अगर जजिंग अच्छे तरीके से हुई हो, क्योंकि यूएफसी में जजेस के ऊपर भरोसा आज के टाइम पर तो मेरे ऊपर मेरा तो उठ गया है, जब से शोन ओ'मैली को जिताया है। ऐसे ही कोबी कोविंगटन को हराने में 2 बार जजों का भी जो है काफी बड़ा रोल रहा है। लेकिन अब कोबी कोविंगटन की फाइट होगी हमजत चिमायव से। दूसरी तरफ हमजत चिमायव अनडिफिटेड फोर्स, अनडिफिटेड पावर, ही हैज टू किल एवरीबॉडी। उसके सामने टाइटल 170 का उसका हो सकता है, लेकिन उसे करना क्या होगा, कोबी कोविंगटन को हराना पड़ेगा। कोबी कोविंगटन को हराना आसान होगा या मुश्किल होगा, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हर एक उस बात के बारे में बात करेंगे जो कोबी कोविंगटन और हमजत चिमायव के फाइट में हमें देखने को मिलेगी, और खासकर कोबी कोविंगटन की किन किन बातों से हमजत चिमायव को ध्यान में रखकर ही गेम प्लान बनाना होगा, वरना कोबी कोविंगटन के खिलाफ हमजत का जीतना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि इस पूरे वेल्टरवेट डिवीजन में नया चैंपियन बन गया है लियोन एडवर्ड। लियोन एडवर्ड का पहला टाइटल डिफेंस होगा कमारू उजमन के साथ, और कमारू उस्मान और एडवर्ड में से जो जीता उसकी फाइट होगी हमजत और कोबी कोविंगटन की फाइट के विनर से। तो यहां पर जिस दिन कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड की मेन इवेंट फाइट होगी टाइटल, उसकी को-मेन इवेंट यही फाइट होगी। तो दोनों फाइट एक ही दिन होने वाली है। उस दिन वेल्टरवेट की किस्मत का हमें पता लग जाएगा कि इसकी किस्मत किसकी तरफ जा रही है। वेल्टरवेट डिवीजन में बिलाल मोहम्मद, कोबी कोविंगटन, उसके साथ साथ हमजत चिमायव और रॉक मनाव, ये कुछ ऐसे फाइटर्स हैं जो हमें चैंपियनशिप लेवल के दिखते हैं और जिनके अंदर इतना दम है कि ये किसी भी दिन एक दूसरे को हरा सकते हैं। तो ऐसे में हमजत चिमायव के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होगी कोबी कोविंगटन की। कोबी कोविंगटन की सबसे पहली चीज उसकी रेसलिंग। कोबी कोविंगटन के पास रेसलिंग का इतना तगड़ा बैकग्राउंड है कि हमजत चिमायव जैसे एट विल, यानी कि जब वो चाहे किसी को भी टेक डाउन करके सबमिट कर देता है, वैसा कर पाना कोबी कोविंगटन के खिलाफ काफी मुश्किल होगा। दूसरी बात, गैस टैंक। गैस टैंक का मतलब होता है स्टेमिना। 5 राउंड तक अगर आपको हर राउंड में तगड़ा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपका स्टेमिना, आपकी गैस टैंक बहुत तगड़ी होनी चाहिए। और पूरी यूएफसी में आज के टाइम पर टॉप 3 के अंदर गैस टैंक आता है कोबी कोविंगटन का। पहले राउंड के अंदर वो जितना फ्रेश होता है उतना ही 5वें राउंड के अंदर भी होता है, और ये एक दिन में नहीं होता, बार 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 प्रैक्टिस करने से होता है। तीसरा पॉइंट, कोबी कोविंगटन के खिलाफ कोई भी फाइट करता है तो वो उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है, दिमाग के अंदर घुस जाता है और दिमाग की दही कर देता है। और दूसरा फाइटर ये सोचता है कि यार ये इतना क्रिंज बोल रहा है, इतनी बकवास कर रहा है, इसके बस की कुछ नहीं है, क्योंकि जिसके बस की कुछ नहीं होता ना वो ज्यादा बोलता है। लेकिन यहीं पर मार खा जाते हैं फाइटर्स। कोबी कोविंगटन एक पहला ऐसा एक्सेप्शन है कि वो जितनी बकवास करता है उस बकवास को बैक करने के लिए उसके पास स्किल्स भी हैं,
यानी कि कई लोग रिंग के बाहर बकवास करेंगे और रिंग में आते ही पिट जाते हैं, लेकिन कोबी कोविंगटन ऐसा नहीं है। वो रिंग के बाहर बकवास करेगा आपके लिए, फाइट से पहले इतनी बकवास कर देगा जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन आपका फिर मन करेगा कि मैं फाइट में जाते ही इसको तोड़ दूं, लेकिन वो टूटता नहीं है फाइट में। तो उसके पास ट्रैश टॉकिंग तो है, लेकिन स्किल्स भी हैं उसके बराबर, समझ रहे हो। तीसरी बात, कोबी कोविंगटन इमोशनल कर देता है दूसरे बंदे को, और जब कोबी कोविंगटन के खिलाफ वो फाइट करने आते हैं रिंग में तो वो इमोशनल होकर लड़ते हैं। जैसे हमजा चिमायव को गिलबर्ट बर्न ने एक दो बातें कही और वो उसके दिमाग में चढ़ गई, और उसने गेम प्लान को अपनी विंडो से बाहर फेंका और स्टैंड अप फाइट करने लग गया। किसके साथ? बर्न के साथ। जैसे बर्न्स के साथ उसने ऐसे किया गेम प्लान भूल के, वो हमजत कोबी के साथ नहीं कर सकता ऐसा, क्योंकि अगर कोबी के साथ ऐसा किया तो कोबी पहले दूसरे तीसरे राउंड में सरवाइव करके चौथे पांचवें राउंड में खत्म कर देगा हमजत को। तो यहां पर कोबी की ट्रैश टॉकिंग, कोबी की बातें, कोबी की रेसलिंग, कोबी का गैस टैंक, ये सब बातें मिलकर एक थ्रेट पैदा करती है हमजत के लिए, क्योंकि इस करियर के इस मोमेंट पर अगर हमजत हार जाता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा चीजें कैरी करना, और ये जो नाम बना है ये मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू रखना इतना हैवी। तो यहां पर हमजत चिमायव को प्रॉपर गेम प्लान दिखाना होगा, प्रॉपर डिसिप्लिन दिखाना होगा, और पांच के पांच राउंड वॉर के लिए तैयार रहना होगा। और यहां पर कोबी कोविंगटन फिनिश नहीं होता, यह बात समझनी पड़ेगी हमजत को। तो जैसे केविन होलैंड के खिलाफ पहले ही राउंड में उसने अपनी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो खत्म कर दी थी, ऐसा वो कोबी के खिलाफ नहीं कर सकता, अपनी रेसलिंग को फोर्स नहीं कर सकता वो कोबी के ऊपर। तो बड़े ध्यान से समझकर इस फाइट के अंदर उसे उतरना पड़ेगा। एक चीज और है जो यहां पर समझनी जरूरी है, अभी अभी 4-5 दिन पहले ऑल स्टार जिम हमजत चिमायव का है जहां पर वो ट्रेन करता है, उसको स्वीडन में बैन कर दिया है। किस वजह से? इस वजह से बैन किया है कि स्वीडन में लोकली कहीं पर भी कोई भी कंपटीशन होता था तो नॉर्वे के अलग अलग जिम आकर उसमें कंपीट करते थे। तो ये ऑल स्टार जिम जो है स्वीडन के बाकी सभी जिम्स को धमकाता था, यानी कि मान लो हमजत के जिम से कोई फाइटर आ रहा है और दूसरे जिम से कोई फाइटर आ रहा है, तो उसके जिम वालों को, उसकी टीम को, सबको ये हमजत की टीम वाले जाकर डराते हैं, धमकाते हैं, 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो इनको बैन कर दिया है कि भाई आप स्वीडन के स्पोर्ट्स को हैम्पर कर रहे हो। तो ऐसे में हमजत चिमायव को अपनी टीम से भी बात करनी पड़ेगी, उनकी टीम जिस तरीके से जा रही है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। हमजत की टीम का जो रवैया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। उनके कोच जो एंड्रियाज माइकल हैं वो काफी अच्छे हैं, लेकिन लक्षण ठीक नहीं दिख रहे मुझे। तो हमजत को अगर पॉसिबल हो तो एक बेटर टीम को चूज कर लेना चाहिए, खास करके इस वाली फाइट के लिए, क्योंकि कोबी कोविंगटन कोई हलवा नहीं है कि आप गए और आपने खा लिया। नहीं, ये फाइट डिसाइड कर देगी कि चैंपियन कौन बनेगा। तो ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी कि आप लोगों से डिस्कस कर सकूं कि कोबी कोविंगटन के साथ हमजत चिमायव की जो फाइट होगी वो आसान होगी या टफ होगी। बिल्कुल टफ होगी, बहुत टफ होगी। टेक्निकल रिव्यू काफी जल्दी आएगा। लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, किस चीज के लिए तैयारी करें, कमेंट करें।